इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिस्प्ले ओरिएंटेशंस। ये क्या रहती है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। ये जो सेटिंग्स रहती है आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये किस बेसिस पर वर्क करती है, मैन इसका रीज़न क्या होता है हमारे पीसी के अंदर, ये सब चीज़ें आपको बताऊँगा और इससे क्या क्या प्रॉब्लम होती है और कहाँ पर ये सेटिंग्स मिलती है सब कुछ यहाँ पर आपको पता चल जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि फीचर हमें मिलता कहाँ पर हमारे विंडोज़ 11 के अंदर। तो हम इस पेज को यहाँ से क्लोज कर देते हैं एंड अब स्टार्ट पर दोबारा जाते हैं हम और अपने देखिए इस वाले ऑप्शन पर जाना है हमें और सेटिंग्स को दोबारा खोल लेना है। जब हम सेटिंग्स पर दोबारा जाएंगे तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें नीचे जाना पड़ेगा और यहाँ पर डिस्प्ले की सेटिंग्स हमें ऊपर ही दिखाई देगी वैसे, तो इसे खोल लीजिएगा। अब यहाँ पर थोड़ी सी नीचे हमें जाना है, ठीक है, और यहाँ पर हमें ये फीचर मिल जाता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अब इसकी जो मेन सेटिंग्स है वो यहाँ पर लैंडस्केप है, ठीक है। देखिए ये जो है बेसिकली मैं आपको बता दूँ, ये जो है साइड में घुमा देता है हमारी डिस्प्ले को, ठीक है। उल्टी करना एंड सीधी करना, घुमाना, ये सब चीज़ डिस्प्ले ओरिएंटेशन से ही होती है, ठीक है। अब हम लैंडस्केप पर लगाते हैं, ठीक है, और यहाँ से इसको चेंज करते हैं, पोर्ट्रेट पर लगाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये किधर साइड में हो चुकी है हमारी। तो फिलहाल तो हम इसे कर देते हैं यहाँ से स्टॉप। बाकी अगर आपको चेंज करना हो तो यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ये उल्टी हो गई, अब पूरी डिस्प्ले आप देख सकते हैं ये उल्टी, समझ में भी नहीं आ रही होगी, ठीक है। तो इसी तरीके से ये सारा सिस्टम रहता है, फ्लिपटिट करने का, पोर्ट्रेट करने का, उल्टी करने का, ऊपर नीचे करने का, वो आप कर सकते हैं। लॉजिक कुछ भी नहीं रहता लेकिन इसका, लेकिन हाँ आप कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। तो ये सेटिंग्स रहती है हमारे पीसी के अंदर। अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।